अनम्यूट करोगे तो तुम बोल। सो अस्सलाम वालेकुम। अब जनाब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस। ठीक है, हमारे पास जो हेडिंग है वो सबसे पहले डली फंक्शंस की, और मुझे उसको डिस्कस करना है। देखें, इट इज द प्रोसेस अच्छा बेटा, ये जो भी लेक्चर दे रहा हूँ मैं आपको, ये रजिस्टर में जरूर नोट करना है आपने। मेक श्योर मैं वीकली बेसिस पे आपका रजिस्टर जो है वो उसकी पिक्चर्स मांग सकता हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो भी अपलोडिंग होगी वो आपकी अपलोडिंग होगी फेसबुक के ग्रुप के ऊपर। तीनों ने ज्वाइन कर लिया भाई? अच्छा भाई, क्या लिखा मैंने? इट इज अ प्रोसेस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। कीपिंग इन माइंड दैट इनपुट मस्ट नॉट रिपीट एंड सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज मस्ट कंप्लीटली बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, सो सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज पूरा का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए और मस्ट कंप्लीटली भी यूटिलाइज होना चाहिए। फॉर सपोज फंक्शन हमने लिया है जो कि क्या करता है, नेम टू एज का फंक्शन है। सो फॉर सपोज मैंने कहा कि भाई फताया एज कितनी, और सपोज भाई हमने लिख दिया 14 15, चलो फॉर सपोज। फिर हमने कहा भाई हिबा, हिबा ने कहा भाई 15। फिर हमने कहा मारिज, मारिज ने कहा भाई 16। अब आपको पता है कि लड़कियों की एज छोटी दिखानी पड़ती है, मजबूरी है। जनाब फताया की एज जो 15 है, हिबा की एज 15 है, मारिज की एज 16 है। तो अब आप देखें, हमारी क्लास में 3 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, सो हमने तीनों स्टूडेंट्स का नाम लिया और तीनों स्टूडेंट्स की एज बताई। मुझे बताएं, इनपुट था हमारे पास नेम ना, ये हमारे पास इनपुट था। ठीक है, और ये हमारे पास था आउटपुट। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इनपुट के ऊपर क्या आया, आउटपुट आया। इनपुट के ऊपर क्या आया, आउटपुट आया। इनपुट के ऊपर क्या आया, आउटपुट आया। तो मुझे बताएं कि क्या इनपुट रिपीट हुआ? जी जनाब, इनपुट रिपीट हुआ है क्या? ठीक है, क्या इनपुट सारा का सारा इस्तेमाल हुआ है या कोई छोड़ दिया हमने? ठीक है, सो यहां पर अब सारी की सारी बातें फुलफिल हो रही हैं। अच्छा जी, अब फॉर सपोज मैं क्या करूं, मैं फंक्शन जो है वो उल्टा कर दूं। मैंने कहा जनाब फंक्शन में हम कर रहे हैं एज टू नेम, जिसमें सबसे पहले मैंने कहा भाई फिफ्टीन जो है वो हमारे पास एज है। ठीक है, तो फिफ्टीन अगर मैं बताऊं तो एज किस किस की है?
पताया की है, और 15 जो एज है वो हिबा की भी है, और 16 जो एज है वो मारिज की है। तो अब इन दिस केस बताएं कि क्या हो रहा है, इनपुट रिपीट हो रहा है। तो जब इनपुट रिपीट हो रहा है तो ये क्या था, ये तो था फंक्शन, लेकिन ये जो है वो क्या हुआ, नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इनपुट रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली जब भी गिवन होगा ना तो वो फंक्शन गिवन नहीं होगा, वो आपको रिलेशन गिवन होगा। आपको जो गिवन होगा वो फंक्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रिलेशन गिवन होगा, और उसके ऊपर फिर आप डिसाइड करते हो कि वो फंक्शन है या नहीं। बेसिक एग्जाम्पल समझ में आ गई आपको, क्लियर है जनाब यहां तक? अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं हम डोमेन की डेफिनेशन पे। डोमेन क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज टू द फंक्शन keeping in mind that output should not be other than a real number, that is iota or इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल मिल जाए अल्लाह करे मुझे, हाँ मिल गया, ठीक है जी। तो आंसर अगर आपका आ रहा है आयोटा की फॉर्म में या अगर इन्फिनिटी की फॉर्म में, तो आप उसको आपने हटाना होता है। वक्त के साथ साथ आपको ये डेफिनेशन समझ में आई, एकदम से ना समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, चीजें आपस में गैदर होंगी, चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स होंगी, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये समझ में आएगा। सो इट इज अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज टू द फंक्शन कीपिंग इन माइंड दैट आउटपुट शुड नॉट बी अदर देन अ रियल नंबर, दैट इज आयोटा और इन्फिनिटी। तो डोमेन में आप जो भी इनपुट कर रहे हो भाई करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि आपका जो आंसर है ना वो आयोटा ना आए और इन्फिनिटी ना आए, बस, ठीक है, ये वक्त के साथ आपको समझ में आएगा। अच्छा, इट इज द सेट ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट्स, ये वाली बात भी आपको वक्त के साथ समझ में आएगी, दैट इज वी हैव टू एक्सक्लूड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या चीज है, ये भी आपको वक्त के साथ समझ में आएगी। इट इज रेफर्ड टू x, that is horizontal part of the graph. जनाब रेफर होता है किसके तहत, इसको रेफर करते हैं x से, जो कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ग्राफ का, ठीक है जी। अब आ जाइए जनाब रेंज पे, कुछ क्लियर हुआ डोमेन क्या होता है, वक्त के साथ और क्लियर होगा, लेकिन कुछ बेसिक कुछ समझ आया कि भाई होता क्या डोमेन। रेंज, तो जनाब रेंज क्या है, इट इज द सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज।
अच्छा बेटा, जो भी काम मैं कराऊंगा उसको हाथ के हाथ रजिस्टर में नोट करना है और डेली नोट करना है, इंतजार नहीं करना कि अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो टाइमिंग आपको दी गई है उसको आपने स्ट्रिक्टली, और जो काम आपको दिया गया उसको स्ट्रिक्टली आपने डेली करना है। इट इज द सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है। इट इज रेफर टू वाई दैट इज वर्टिकल पार्ट ऑफ द ग्राफ, ठीक है जी। सो रेंज का ताल्लुक होता है वर्टिकल पार्ट से, ठीक है, और डोमेन का ताल्लुक होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट से। अच्छा जी, हमारे पास फॉर सपोज जनाब, हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास है ए बी और सी, ठीक है जी। और यहां पर लिखा हुआ है वन, यहां पर लिखा हुआ है टू और यहां पर लिखा हुआ है थ्री। अब हुआ ये एक सेकंड, हाँ, अब मैंने कहा कि भाई बी जो है एक मिनट दीजिएगा यार, मैंने कहा भाई बी जो है वो टू पे जा रहा है, ठीक है, और मैंने कहा भाई सी जो है वो जा रहा है थ्री पे, और ए जो है वो कहीं भी नहीं जा रहा, तो बताएं ये जो है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। फंक्शन क्यों नहीं होगा? बिकॉज इनपुट इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड। ये बात समझ में आ गई कि ये फंक्शन क्यों नहीं था, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास दोबारा से वही इनपुट्स हैं और अब जो मैं आपको आउटपुट कह रहा हूं कि भाई ए जो है वो वन पे जा रहा है, बी जो है वो थ्री पे जा रहा है और सी जो है वो वन पे जा रहा है और सी जो है वो टू पे भी जा रहा है। अब बताइए कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब फंक्शन क्यों नहीं होगा? तो अगर मैं इसका रिलेशन का सेट बनाऊं तो क्या बनेगा कि भाई ए जो है वो कहाँ गया? वन पे गया। अच्छा जी, हमारे पास जो बी है वो कहाँ पे गया? वो थ्री पे गया।
अच्छा जी, और हमारे पास जो सी है वो कहाँ पे गया? वो टू पे गया। और हमारे पास सी जो है वो कहाँ पे गया? थ्री पे गया। तो इस तरीके से रिलेशन लिखेंगे। सो अब ये क्या है? ये भी जनाब क्या है? नॉट अ फंक्शन, बिकॉज इनपुट इज रिपीटेड। सॉरी सॉरी, सी वन पे गया है और सी जो टू पे गया, सॉरी, इनपुट इज रिपीटेड। अब सी जो है वो बदमाशी कर रहा है, दो जगह मुंह मार रहा है। सी जो है वो वन के साथ भी जा रहा है, सी जो है वो टू के साथ भी जा रहा है। तो अब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इनपुट जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ गई जनाब? क्लियर है जी? एक और एग्जांपल लेते हैं। मैरिज क्लियर है बेटा? मैरिज क्लियर है भाई? अच्छा जी, अब इस पे आ जाइए। अब इस पे कहा भाई हमने कि ए जो है वो वन पे जा रहा है, बल्कि नहीं, ए मैंने कहा भाई टू पे जा रहा है, ठीक है। फिर तो मैंने कहा भाई बी जो है वो थ्री पे जा रहा है, और मैंने कहा सी जो है वो वन पे जा रहा है। तो अगर मैं इसका रिलेशन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? लिखूंगा कि भाई ए जो है वो टू पे जा रहा है, बी जो है वो थ्री पे जा रहा है। अच्छा, ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, ठीक है, और सी जो है वो वन पे जा रहा है। तो मैं लिखूंगा इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन है क्योंकि दोनों की दोनों बातें इसके अंदर फुलफिल हो रही हैं, कि इनपुट जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा और रेंज जो है, सॉरी, इनपुट जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा और इनपुट जो है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बात समझ में आ गई है जनाब? सबको क्लियर है?